आप किसे पसंद करेंगे, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, आप किसे? राहुल गांधी युवाओं का बात कर रहे हैं? राहुल गांधी। हाँ, अभी भारत जोड़ो यात्रा में और फिर DU सारे स्टूडेंट से मिल रहे हैं, उनसे पूछ रहे तुम्हारे क्या परेशानियाँ है, क्या चाहिए, वो सब है। मैं दुबई में जॉब करती हूँ, मगर इंडिया आगे लगता है ये क्या हो गया, पहले ऐसा नहीं था। मोदी एक ऐसा स्तंभ है जो बट वृक्ष की तरह पूरा देश की रक्षा करने के लिए 24 घंटे तत्पर है। ममडन लॉबी सुन्नियों ने कहा है कि हमने 80% वोट दिया है कांग्रेस को, हमें गृह मंत्रालय चाहिए, हमें उपमंत्री चाहिए, 5 कैबिनेट स्तर के ऐसे मंत्री चाहिए हमें जो गृह मंत्री हों, राजस्व मंत्री हों। पाकिस्तान से बधाई आई है सोनिया गांधी के लिए कि बहुत अच्छा हुआ आप वहाँ जीत गए। इसी तरह मोदी का सफाया करो आप। एक तो हो जाएगा कि प्रधानमंत्री 5-5 बनाओगे, नीतीश कह रहा मुझे बना दो, लालू कह रहा मुझे बना दो, और राहुल कह रहा मुझे बना दो, शरद पवार कह रहा मुझे बना दो। मोदी गयो कर्नाटक से गयो, बाकी कहाँ बचे हो? देश में गयो, देश में तो पूरे जाएगा मोदी, राहुल गांधी आएगा। कर्नाटक का चुनाव मोदी की हार तय करते हैं तो राजस्थान के चुनाव राहुल गांधी की हार तय करने चाहिए। राजस्थान में बुरी तरह से हारेगी कांग्रेस। किसकी? कांग्रेस ने अडानी को पूरी जमीन बेचेगी, पूरा बॉर्डर बेच दिया राजस्थान का। क्या नाम? सना। कहाँ रहने वाले? मैं दिल्ली डरियागंज। तो ये मैम ये बताओ कि आप दिल्ली रह रहे हो, इसके क्या लग रहा है आपको कि मोदी गवर्नमेंट सही काम कर रही है या फिर 24 चुनाव होने वाला है, क्या हो रहा है? मोदी गवर्नमेंट स्टार्टिंग में सही काम कर रही थी, बाद में उसमें अभी 2-3 साल से बहुत पार्शियलिटी कर रही है, मतलब अलग जैसे हिंदू मुस्लिम ये वो बजरंग दल, मतलब काम पे फोकस छोड़ के लोगों को बहका रही है और भड़का रही है। लोग युवा लोग बर्बाद हो रहे हैं, ये सब में लगे हुए हैं। अभी आप फेसबुक के वीडियो में चल जाओ, यूट्यूब के वीडियो में चल जाओ, रोजगार की बात कहीं भी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही हो रहा है अभी। मोदी कर रहे हैं आपके हिसाब से ये सब? उनके गवर्नमेंट के सारे लोग कर रहे हैं, मतलब ये तो पॉलिटिक्स है, अब ये भी उनका एक पार्ट होगा पॉलिटिक्स का, वो हो सकता है कि 2024 में भी यही करके जीत जाए। हाँ, आप किसे पसंद करेंगे, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, आप किसे? राहुल गांधी क्यों ऐसा? हमेशा से सबके फेवरेट है, और मेन तो यहाँ पे पार्शियलिटी की होती है बात, तो पहले ठीक थे बट अभी। हाँ, युवाओं का बात कर रहे हैं? राहुल गांधी। हाँ, अभी भारत जोड़ो यात्रा में और फिर DU सारे स्टूडेंट से मिल रहे हैं, उनसे पूछ रहे तुम्हारे क्या परेशानियाँ है, क्या चाहिए, वो सब है। युवाओं का जो बात करेगा, रोजगार का जो बात करेगा, उसी को वोट दो चाहे जो भी सरकार रहे, हम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये सब नहीं होना चाहिए, देश का माहौल नहीं खराब होना चाहिए। मैं दुबई में जॉब करती हूँ, मगर इंडिया आगे लगता है ये क्या हो गया, पहले ऐसा नहीं था। कहाँ जॉब करते थे? मैं दुबई में जॉब करती हूँ। दुबई में मतलब इंडिया में आके देखो तो पूरा बदल देखे। हाँ, अभी मतलब पहले जैसे हम लोग का एरिया भी हिंदू वाला है, पहले ऐसा नहीं था, अभी हिंदू मुस्लिम का दुकान से सामान मिल रहा है, मुस्लिम हिंदू का ऐसा हो गया। वाकई में ऐसा है, क्योंकि सिर्फ सुनने को मिलता है। सच में जैसे इलेक्ट्रिशियन है कोई, जैसे मतलब ज़्यादा मुस्लिम लोग हमारे तरफ इलेक्ट्रिशियन, मगर हिंदू लोग उसको बुला नहीं रहे काम करने के लिए, और अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा ये हो गया, ईद में रामनवमी में बहुत ज़्यादा हो गया, पहले ये सब नहीं था। क्या नाम है आपका? मेरा नितेश नाम है। कहाँ रहने वाले? मैं बक्सर का हूँ, बिहार का, अभी पंजाब में रहता हूँ। पंजाब में रहते हो, बिहार से हो, क्या लग रहा है ये मोदी सरकार इस बार आएगी 24 में या फिर नहीं आने वाली, क्या लग रहा है? ये भी पूछने की बात है, आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। किस मुद्दे पे आएगी, क्यों आएगी? हर मुद्दे पे आएगी सर। इंडिया को 5वें नंबर पे लेके आने वाली वर्ल्ड के अंदर मोदी सरकार है। उससे पहले कुत्ता भी नहीं पूछता था मनमोहन सिंह को, बाहर खड़े रहते थे, अब कोई भी आता था ऐसे सरदार ऐसे खड़े रहते थे, क्यों? क्योंकि उनकी पार्टी उस लायक थी, उन्होंने बना के रखा था कि जब तक हमसे नहीं पूछोगे आप आगे बता नहीं सकते। अच्छा। मोदी सरकार को ऐसा कुछ है नहीं, मोदी सरकार ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इसके अंदर महंगाई, बेरोजगारी जो मुद्दा उठ रहा है, सब क्या है फिर? सर महंगाई बेरोजगारी हर दिन उठेगी। आप आगे आने वाले मोदी सरकार को हटा दो, 24 में हटा दो, उसके बाद नहीं आएगी क्या? अच्छा, उसके बाद आएगी, बिल्कुल आएगी। अच्छा। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। 24 की बात कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि कर्नाटक में देखा आपने क्या हुआ, क्लीन स्वीप कर दिया कांग्रेस ने बीजेपी को। अब वहाँ की कांग्रेस पार्टी बोल रहे हैं कि मोदी की हार है, राहुल गांधी की जीत है, राहुल गांधी की मोहब्बत की जीत है और भारत जोड़ो यात्रा की जीत है। सर राहुल गांधी तो 2028 तक शायद इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनका तो बंद हो गया, कोर्ट में मैटर चल रहा है, वो बंदी है सर, नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं कर सकते वो, नहीं जी, वो जितना मर्जी केस लड़े अभी भी नहीं लड़ सकते, 2024 में नहीं लड़ सकते वो। अच्छा, वो नहीं लड़ेंगे। तो कांग्रेस बोल रहा है ना, ये तो अभी ट्रेलर था कर्नाटक का, 24 में पूरा फिल्म आना बाकी है अभी। सर ट्रेलर तो मोदी सरकार ने बहुत पहले भी दिखा दिया था। हाँ। वो तो ट्रेलर क्या, वो तो पूरी फिल्म दिखा चुके हैं। धर्म परिवर्तन हिंदू तो करते नहीं, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम ही करे हैं। धर्म परिवर्तन करते हैं, मुस्लिम करवाते हैं, क्रिश्चियंस करवाते हैं। क्रिश्चियंस के लिए अगर आपको देखना है ना, जीरकपुर है पंजाब में, ठीक है, वहाँ पे बहुत तगड़ा एक लगा के अपना खड़गे थे,
हटाने वाले भी हमारे ही लोग थे। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री भी करा रहे हैं धर्म परिवर्तन खुले मंच से? नहीं करवा रहे। क्या करा रहे? घर वापसी करवा रहे हैं। वो घर वापसी हो गया? घर वापसी है। और वो धर्म परिवर्तन? हाँ, क्योंकि वो मुस्लिम कोई धर्म नहीं है सर, मजहब है। जय श्री राम, मजहब है। ठीक है, मजहब कितने साल पुराना है सर? बच्चा है अभी। ठीक है, बच्चा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, क्या लग रहा है कि अब तो कर्नाटका भी बीजेपी हार चुकी है? बोले कर्नाटका के बाद अब 24 में मोदी का नंबर है, मोदी को भी हटाएंगे देश। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी एक ऐसा स्तंभ है जो वटवृक्ष की तरह पूरा देश की रक्षा करने के लिए 24 घंटे तत्पर है। उस व्यक्ति कर्नाटक, क्या कर्नाटक में हम कर्नाटक 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 जो है वो सब क्या है? राहुल गांधी हो गए, विपक्ष, बाकी सब देश को लूटने के लिए तैयार बैठे हैं किसी तरह से। अब आप देख लो ना, अभी जीते नहीं है, कर्नाटक में सरकार बनी नहीं है। दो लोग कह रहे हैं मुझे बनाओ कि मुझे बनाओ, तीसरा एक और तैयार हो गया। मुमडन लॉबी सुन्नियों ने कहा कि हमने 80% वोट दिया है कांग्रेस को, हमें गृह मंत्रालय चाहिए, हमें उपमंत्री चाहिए, 5 कैबिनेट स्तर के ऐसे मंत्री चाहिए हमें जो गृह मंत्री हों, राजस्व मंत्री हों। मतलब क्या है देश को बांटना? अच्छा। देश को बस किसी तरह से लूटो। अच्छा। 70 साल तक चलता रहा है, मोदी उसका विरोधी है। अच्छा। ऐसी बात नहीं कि इसमें अगर वो वोट दे रहे तो उनका हक है मांगने का? मांगने का हक है, योग्य को लाने में, योग्य लाओ ना। अच्छा। अयोग्य को क्या लाओगी? मतलब 80% जिता इसका मतलब हमें 5 पद दो। अच्छा। अरे भैया जो तो वही पोजिशन होगी ना, दुर्योधन ने कुछ नहीं देने की कोशिश करी थी, लेकिन क्या हुआ उसका? क्या हुआ उसका? सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। अच्छा। क्या हुआ उसका? ये वही सब वही काल चल रहा है, संक्रमण काल है इस समय। इस समय देश में बहुत जबरदस्त संक्रमण काल है। अच्छा। किसके लिए? अस्तित्व के लिए। अच्छा। बिल्कुल। ये बताओ कि कर्नाटका में कांग्रेस की जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाया गया, पाकिस्तान का झंडा लगाया भैया। आप देखो ना, अभी वो पाकिस्तान से बधाई आई है सोनिया गांधी के लिए कि बहुत अच्छा हुआ आप वहाँ जीत गए। इसी तरह मोदी का सफाया करो आप व्हाट्सएप पे मैसेज। मोदी से इतना तकलीफ क्यों है? मोदी से तकलीफ इसलिए कि देश मजबूत होगा, वो मर रहे हैं भूखों, यहाँ भारत मजबूत हो रहा है। अच्छा। तो सोच रहे हमें कैसे भी कैसे इसको डाउन करो। अच्छा। ये देश की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, रूस है, चाइना है, देख भारत को मजबूत होना देख मजबूत होते देखना नहीं चाहते। अच्छा। देश जितना वो चाहते हैं इसको तोड़ो हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान का युवा अगर सही रहेगा, सही चलेगा, सही निर्णय लेगा तो ही बचेगा, अदरवाइज हिंदुस्तान के भी टुकड़े हो सकते हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं ना कि मोहब्बत की जीत है, नफरत की हार है, मोदी का नफरत को जनता ने हरा दिया। इसके स्तर पर इस तरह की बातें करी जाती हैं कि देश के स्तर पर इस तरह की बातें करी जाती हैं। मोहब्बत है क्या? मोहब्बत घर में होती है, मोहब्बत आदमी आदमी से होगी। क्या जो छक्का आएगा तो मोहब्बत करेगा वो, और वो ऐसे मोहब्बत होती है कि उसका प्रधानमंत्री तो अध्यादेश ला रहा है, वो सार्वजनिक मंच पे फाड़ रहा है जी। मोहब्बत का सबूत है क्या? राहुल गांधी एक दिग्विजय युवा अभी नहीं है, अब तो बुढ़ा हो गया वो, 55-56 साल का है वो। ऐसे में राहुल गांधी देश का भला नहीं कर सकता, मोदी से कंपेयर करो ना यार। सब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को टारगेट कर रहे थे, निशाना बना रहे थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कर्नाटका में जीत के बाद भारत जोड़ो यात्रा की जीत है। भारत जोड़ो यात्रा थी कब? भारत टूटा कब था? इन लोगों ने तो तोड़ा है भारत, 47 साल के अब तो तोड़ा ही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटका में जीत आई है। भारत को तोड़ने के लिए सिर्फ, और आप राहुल गांधी की यात्रा में देखो सारे टुकड़े गेम के सदस्य जगह जगह मिले हैं उससे। अच्छा। जगह जगह मिले हैं। राहुल ने कौन सा ऐसा काम किया जो इससे भारत जोड़ने वाली बात करी हो? बताओ आप। उसके नाना जवाहरलाल नेहरू 1962 में चीन का एक अक्षय चिन्ह हिस्सा दे दिया, मानसरोवर दे दिया, हमारा जो धार्मिक स्थल था वो दे दिया। वो कहते हैं कि बहनचोद वो तो उसमें घास भी नहीं उगती है, दे दिया तो ले लिया तो कोई बात नहीं है। आज 40 सैनिक मरे थे गलवान में हमारे, और 80 मारे थे, गिनती नहीं है पर चीनी कितने मार के आए हमारे सैनिक। अच्छा। बताए भी नहीं उसने। अच्छा। वो चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, वो बताएगा भी नहीं। अच्छा। वहाँ आदमियों की वैसे भी कोई कदर नहीं है, यहाँ कोई कदर नहीं है। हिंदुस्तान इस समय सशक्त हो रहा है, हिंदुस्तान अमेरिका से भी सशक्त है, उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। क्यों सशक्त है? कोविड के काल में हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, लेकिन हमसे ज़्यादा लोग वहाँ मरे, जिस सब बकायदा गूगल भी बता देगा देख के। और हिंदुस्तान में लोग कितना जबरदस्त तरीके सारे के सारे कह रहे थे कोविड की वैक्सीन बन नहीं सकती है, कोविड की वैक्सीन बहुत मर रहे हैं, बहुत मरेंगे, वैक्सीन बन गई तो बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। अच्छा। अरे मतलब कुछ तो सोचो देश के बारे में। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट करने के लिए तुम कुछ भी बोलोगे? बताओ, कांग्रेस की जीत के बाद से ना सारे विपक्षी एक हो गए, ये बोल रहे हैं कि विपक्षी की जीत है, सिर्फ कांग्रेस की जीत नहीं। एक तो हो जाएगा कि प्रधानमंत्री 5 पद बनाओगे, नीतीश कह रहा है मुझे बना दो, लालू कह रहा है मुझे बना दो, और राहुल कह रहा है मुझे बना दो, शरद पवार कह रहे मुझे बना दो,
इधर क्या पांच जनता क्या, क्या, क्या कह रही है, किसे बना दोगे? जनता जनता तो मोदी को चाह रही है, मोदी को बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। राहुल गांधी कोई? राहुल गांधी तो भैया अब सांसद भी नहीं है, तो कहां से प्रधानमंत्री बनाओगे यार तुम से यार? अच्छा। और क्या, अभी अयोध्या घोषित होगा, अभी देखना तुम, अभी जेल है, जेल 6 साल के लिए अयोध्या होगा, तो अगला चुनाव लड़ नहीं पाएगा वो, पक्का पक्की बात है। क्या नाम है भाई? मैं तो इनकी सुन, पहले इनकी सुन, ये बताओ आप क्या सही बता रहे हैं? सब बोल रहे हैं कि मोदी 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 आएंगे, लेकिन आगे मोदी आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। केजरीवाल हो गए, बाकी सब हो गए, क्या करेंगे सर? मोदी गयो 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 कर्नाटक से गयो, बाकी कहाँ बचे हो? देश में गयो, देश में से पूरे जाएगा मोदी ऑफिस में। अरे उसका बिल्कुल, मोदी का जो है पूरे तरीके से पर्दाफाश हो चुका है लोगों को। क्यों ऐसा, क्यों क्या हो गया? अरे धार्मिक मुद्दों को ले लेके कर रहा है, बिल्कुल ही धर्मों को मुख्यमंत्री बनाओ कर्नाटक में। कारण मेरे, अरे वो कह रहे हैं पांच चाहिए मुख्य में, पांच चाहिए पद, पांच चाहिए हमें पद, मुख्यमंत्री बदलते हो पांच चाहिए पांच। अरे हर बार इधर तीन बदलते हो पांच चाहिए, क्या हो गया इतना? क्यों मोह भंग हो गया मोदी जी से? ये तो जाकर पूरी जनता से पूछो ना, कर्नाटक की जनता बता रही है। अरे मोदी, मैं बताता हूँ सर, एक मिनट, गयो गयो बोल रहे हैं, गयो देश मांगे मोदी, गयो बिल्कुल गयो, अरे गयो गयो मोदी गयो, क्योंकि मोदी के पास कुछ करने के लिए नहीं आएगा। एक मिनट सर, सर एक मिनट सर, मेरी सुनिए, राहुल गांधी आएगा सर, एक मिनट बात सुनो आप, एक मिनट सर, एक मिनट आराम से बात सुनो, अगर कर्नाटक, एक मिनट सर आइए, एक बात सुनो सर, एक मिनट सर आइए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, अगर कर्नाटक का चुनाव, कर्नाटक का चुनाव मोदी की हार तय करते हैं, तो राजस्थान के चुनाव राहुल गांधी की हार तय करने चाहिए। राजस्थान में बुरी तरह से हारेगी कांग्रेस, कांग्रेस बुरी तरह से हारेगी राजस्थान में, राजस्थान में कांग्रेस बुरी तरह से हारेगी। 160 से ज्यादा सीटें आएगी बीजेपी की, बीजेपी की। कांग्रेस ने काम किया राजस्थान से? कोई काम नहीं किया है, आपस में झगड़ रहे, आपस में झगड़ रहे दोनों, खौफों में। सर एक मिनट, एक मिनट, मोदी गयो, मोदी गयो, मोदी के घर में 8 लाख का पर्दा लगा है, लगा है क्या? नहीं लगा ना, ठीक है। मोदी अपने, एक मिनट, ये मान रहे हैं अगर कर्नाटक की हार, हार ही मोदी की हार तय करेंगे, तो राजस्थान की हार, 8000 करोड़ का विमान चाहिए, 8000 करोड़ का, 10 लाख का सूट चाहिए मोदी को, 10 लाख का सूट चाहिए। सर्वो नीलाम भी होता है, सर्वो नीलाम भी होता है, सर्वो नीलाम होता है सर, एक नीलाम होता है, नीलाम होता है हर जगह। अडानी क्या, अडानी क्या आपको नहीं दे रहा? अडानी ने कितने रोजगार दिए? एक मिनट, अडानी, अडानी के शेयर गिरे थे, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट, अडानी, अडानी के शेयर गिरे थे, किसकी? अडानी को शेयर गिरे थे, पूरी पूरी जमीन बेच गई थी, पूरा बॉर्डर बेच दिया राजस्थान का, किसकी नौकरी गई थी? बॉर्डर बेच दिया राजस्थान, मोदी के शेयर, अडानी कंपनी के शेयर गिरे थे, अडानी के शेयर गिरे थे किस, अडानी के शेयर गिरे थे किसकी नौकरी गई थी सर? अडानी के शेयर गिरे थे जो मोदी को गोली,